हमारे पास अगला सवाल है जो कि फेसबुक के जरिए आया है, बॉब जी का। ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। सर, ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने टमाटर की खेती की है, तो टमाटर की फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए ये क्या कर सकते हैं? हाँ, इनका जो सवाल है वो है कि पौधे की बढ़वार कैसे अच्छी हो। जी देखिए, बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं और उनकी सिफारिश की जाती है जिससे उनकी बढ़वार पौधों की होती है। जैसे कि जिब्रेली एसिड है, GA3 के नाम से मार्केट में मिलता है। जी तो हम कहते हैं कि बुआई के 20 और 40 और रुपाई के 20 और 40 60 दिन बाद इस दवाई का छिड़काव करें, जी 50 PPM का सॉल्यूशन बना के। जी हम कुछ सिफारिश जो है फूल आने की अवस्था में भी करते हैं। जैसे कि देखा होगा किसान भाइयों की कई बार ये क्वेरी आती है कि हमारे फल गिर जाते हैं या फूल गिर जाते हैं, टमाटर बहुत कम बनते हैं। तो एक PCPA हार्मोन है। से तो क्या मार्केट में PCPA के नाम से ही इनको मिल जाएगा ये दवा? हाँ, PCPA के नाम से मिलेगा, लेकिन इनको ध्यान रखना है किस तरीके से उसको छिड़कना है। देखिए, PCPA जो है वो हम 50 PPM कह रहे हैं तो 10 ग्राम PCPA लेगा। PCPA सीधा पानी में घुलता नहीं है, तो इसको थोड़े से अल्कोहल में पहले उसको घोलना होगा। जिस कप में ले रहा है, किसी बर्तन में अलग से ले रहा है, तो उसमें थोड़ा अल्कोहल डाले और उसको ढंग से घोल ले, और फिर उसको करीब 200 लीटर पानी, जो हमारा एक एकड़ में हम सिफारिश करते हैं, उसमें मिला के और ढंग से छिड़के। तो ये जो समस्या है हमारी फूल गिरने की, फल ना बनने की, ये टमाटर में काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सर, जैसे कि बॉब जी को जो है वो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छी बढ़वार के लिए बस कह रहे हैं, तो अच्छी अभी भी किसी चीज़ का अभी भी अच्छी बढ़वार के लिए, जैसे हमने बताया कि GA3 जिब्रेलिक एसिड 3 के नाम से आता है, उसका उसी का इस्तेमाल करेंगे, उसका फोलियर एप्लीकेशन करें, छिड़काव करेंगे खड़ी फसल के ऊपर। ये जो GA3 है ये सेल्स को एलोंगेट करता है, सेल्स को बढ़ाता है पौधे की, जिससे कि पौधे की बढ़वार होती है। और इसका जो अगर हेल्थ की बात करें तो इसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी? हाँ, पौधे की तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। जी, तो बॉब जी, आशा करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।